नमस्कार, स्वागत है आपका। कोलकाता के खिलाफ चेन्नई को जो जीत दिलाएंगे वो कौन से पांच बड़े खिलाड़ी होंगे उनका भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि पांच मैच विनर्स पर लगातार हम आपको बताते हैं कि इस टीम में जीत दिलाने वाले कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कोलकाता के खिलाफ चेन्नई को बड़ी जीत दिला सकते हैं। इसमें अगर शुरुआत से जिक्र करूं तो मुझे ऋतुराज गायकवाड़ से बहुत उम्मीदें होंगी, खासतौर पर एक तो ये कि उन्होंने पिछले मैच में नाबाद अर्धशतक लगाया था और वो मैच जिता पा रही थी। इसके अलावा एक बात ये भी कि उन पर भरोसा काफ़ी जताया है महेंद्र सिंह धोनी ने। वो एक ऐसे युवा बल्लेबाज हैं जिनको लेकर के धोनी भी कई बार बात करते रहे हैं, और हमने देखा है कि ऋतुराज गायकवाड़ के पास वो काबिलियत है। पिछले मुकाबले में भी ये देखने को मिला बैंगलोर के अगेंस्ट, जिनका बॉलिंग लाइनअप इतना ख़राब नहीं है, लेकिन फिर भी गायकवाड़ ने अच्छी बल्लेबाजी की एज एन ओपनर। लग रहा है कि वो अब 2021 में जो नई टीम आपको चेन्नई की दिखेगी उसके भी वो फ्रंट फेस होंगे। इसके अलावा दूसरा नाम जो हो सकता है इस मुकाबले में जो जीत दिला सके चेन्नई को, वो मैं चाह रहा हूँ कि अंबाती रायडू एक बार फिर कोई स्टेबल इनिंग्स खेले हैं, जिससे ये पता चले कि वो सिर्फ कहते हैं ना वन मैच प्लेयर नहीं है, मतलब वन ऑफ दोज नाइट्स की आपका बल्ला चल गया, तीर नहीं तो तुक्का वाला हिसाब नहीं है, चल गया तीर नहीं तो तुक्का। तो अंबाती रायडू सिर्फ एक मैच जिता पाए, उसके बाद उनका परफॉर्मेंस लगातार डल हुआ है, लगातार नीचे गिरा है। ऐसे में उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें होंगी, क्योंकि उनको लेकर के कई तरह की बातें हैं इंडियन क्रिकेट सर्किट में कि थ्री डायमेंशनल प्लेयर हैं, कोई कहता है मतलब थ्री डायमेंशनल प्लेयर, उनका मजाक तब से उड़ता है जब से विजय शंकर को लेकर के ये बात कही गई थी कि वो थ्री डायमेंशनल प्लेयर हैं विजय शंकर, और इस वजह से अंबाती रायडू को वर्ल्ड कप में नहीं ले जाया गया। लेकिन उसके बाद से अंबाती रायडू को भी लोग बहुत 3D प्लेयर बोलते हैं, तो वो इस मुकाबले में कुछ कर पाएंगे या नहीं ये देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। इसके बाद निगाहें हमेशा की तरह महेंद्र सिंह धोनी पर तो होंगी ही, क्योंकि उनके बल्ले से कोई भी बड़ी पारी अब तक नहीं निकली इस सीज़न में, और फैंस चाहेंगे कि अब हार गए हैं, बाहर हो गए हैं, लेकिन जाते जाते ही सही, अब अगर वो क्लासिक विंटेज महेंद्र सिंह धोनी की पारी देखने को मिल जाए तो फिर बात बन जाएगी। और बड़े बड़े कुछ शॉट्स लगाए हैं उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी ने, कुछ अच्छे चौके देखने को मिले हैं, कुछ वो टिपिकल MS धोनी शॉट्स देखने को मिले हैं, लेकिन बड़ी पारी में वो उसे कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। क्या धोनी इस मुकाबले में वो बड़ी पारी खेल पाएंगे, खासतौर पर कोलकाता के अगेंस्ट, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कोलकाता की स्पिन बहुत सही है और शुरुआत में पैट्रिक कमिंस जो तेज़ गेंदबाजी कर रहे हैं उसमें भी जान है, और अब जब से लॉकी फर्ग्यूसन जुड़े हैं तब से फिर लग रहा है कि थोड़ी सी और जान मिली है कोलकाता की गेंदबाजी को। तो महेंद्र सिंह धोनी पर निगाहें होंगी, निगाहें रविंद्र जडेजा पर भी होंगी, जिनका ऑलराउंड परफॉर्मेंस जिस मुकाबले में देखने को मिला उस मुकाबले में चेन्नई को जीत मिली, लेकिन वो जहां पर नहीं चले तो चेन्नई को हार मिली है। रविंद्र जडेजा सीजन कैंपेनर हैं और उनका किसी टूर्नामेंट को ओन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था यार, मतलब रायना नहीं थे इस बार, हरभजन नहीं थे इस बार, तो जडेजा को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि मैं बड़ा प्लेयर बनकर निकलूंगा इस IPL का। जैसे हर बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कोई खिलाड़ी बनकर निकलता है या ऑरेंज कैप की लिस्ट में रहता है या पर्पल कैप की लिस्ट में रहता है, उसमें जडेजा को भी रहना चाहिए कभी, तो ऑरेंज कैप में फिर भी रहना मुश्किल है क्योंकि बहुत नीचे बल्लेबाजी करने आते हैं, लेकिन पर्पल कैप में अपनी जगह बना सकते थे शायद, इस बार कुछ कैचेस भी उन्होंने छोड़े, लेकिन जहां उनका परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा वहां पर चेन्नई को जीत मिली है ये हमने देखा। तो जडेजा से उम्मीदें होंगी, और फिर मैं चाहता हूं दीपक चाहर यार, मतलब 3 कंप्लीट सीजन्स खेल रहे हैं, धोनी ने इतना ट्रस्ट उन पर किया है, लेकिन वो बात उनकी गेंदबाजी में इस सीज़न तो देखने को नहीं मिली। इंडिया खेल चुके हैं, अब तो हैट्रिक भी ले चुके हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट, मतलब यार और क्या चाहिए, और कॉन्फिडेंस हाई करने के लिए क्या चाहिए, लेकिन शायद उनका परफॉर्मेंस भी उस तरह से नहीं जा रहा है। तो ये मेरे 5 खिलाड़ी हैं जो इस मुकाबले में चेन्नई को जीत दिला सकते हैं, जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ का नाम है, अंबाती रायडू का नाम है, MS धोनी, रविंद्र जडेजा और दीपक चाहर। देखते हैं, इसके अलावा कोई हीरो बन जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नए खिलाड़ी हैं, कुछ पुराने खिलाड़ी भी हैं, देखते हैं कौन हीरो बनकर निकल कर आता है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।